हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे पोलैरिटी इंडिकेटर सेंटेंस, जिनको हम हिंदी में विपरीतता सूचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको क्या मिलता है? कंसेशन यानी कंट्रास्ट मिलता है। एक भाग दूसरे भाग के बिल्कुल अपोजिट मिलता है, बिल्कुल विपरीत मिलता है, कंट्रास्ट मिलता है। इस तरह के वाक्यों में क्या होता है? इस तरह के भागों के वाक्यों में दो भाग होते हैं। इस तरह के वाक्यों में क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। पहले भाग में आपको मिलेगा यद्यपि, और दूसरे भाग में तथापि या तो भी मिलेगा। और पहला भाग में जो कुछ भी कहा जाता है, यानी व्हाट एवर इज स्पोकन इन अ फर्स्ट पार्ट, यानी पहले भाग में जो भी कुछ बोला जाता है वो दूसरे भाग में क्या होता है ना, सेकंड पार्ट में क्या होता है, उसके विरोध में होता है, अपोजिशन में होता है, विपरीत में होता है, कंट्रास्ट में होता है, वो बिल्कुल उसके अपोजिट बोला जाता है। इंग्लिश में बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? इस तरह के वाक्यों को दो या आल्दो किसके लिए लगाते हैं? यद्यपि के लिए लगाते हैं। दो या आल्दो किसके लिए लगाते हैं? यद्यपि के लिए लगाते हैं। और तथापि या तो भी के लिए हम केवल क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं, केवल और केवल कोमा लगाते हैं इस तरह के वाक्यों में। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है, यद्यपि वह धनी है तथापि या तो भी वह कंजूस है। यद्यपि वह धनी है तथापि या तो भी वह कंजूस है। दूसरा सेंटेंस है, यद्यपि वह गरीब है तथापि या तो भी वह सुखी है। अब देखिए, पहले सेंटेंस में देखिए, यद्यपि वह धनी है, यानी धनी तो है लेकिन क्या है, विपरीत में क्या बोला जा रहा है, वह कंजूस है। दूसरे सेंटेंस में, वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है तथापि या तो भी सुखी है, यानी गरीब होने के बावजूद भी वह क्या है, वह सुखी है। तो सेंटेंस को बनाएंगे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? यद्यपि या यद्यपि के लिए हम क्या लगाते हैं? दो या आल्दो, इसमें से एक टेम हम यूज करेंगे। यद्यपि यानी दो या आल दो, वह क्या है? धनी है, ही इज रिच। और तथापि या तो भी के लिए हमने क्या लगा दिया? कोमा लगा दिया। वह कंजूस है, तो भी वह कंजूस है, ही इज अ माइजर। माइजर मतलब कंजूस। दूसरा सेंटेंस है, यद्यपि वह गरीब है दो या आल दो, इसमें से एक टेम लगाएंगे। यद्यपि वह गरीब है, आल दो, ही इज पुअर। गरीब मतलब पुअर। दो यानी तथापि, तथापि के लिए हमने क्या यूज किया? कोमा। ही इज हैप्पी यानी वह गरीब है फिर भी क्या है, वो हैप्पी है, खुश है। अगला सेंटेंस है, यद्यपि ये कपड़े कीमती हैं, यद्यपि ये कपड़े कीमती हैं तथापि या तो भी ये गंदे हैं। यानी कपड़े कीमती होने के बाद कंट्रास्ट आपको क्या दिखाई दिया इसमें? कपड़े कीमती भी हैं लेकिन गंदे भी हैं। तो कंट्रास्ट आपको दिखा, दो या आल दो, दीज क्लोथ्स आर कॉस्टली, यानी ये कपड़े महंगे हैं, कीमती हैं, कॉस्टली हैं। कोमा, कोमा यानी यद्यपि, सॉरी तथापि या तो भी के लिए कोमा लगाते हैं। और दे आर डर्टी, तो भी ये क्या है? गंदे हैं, दे आर डर्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया। आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, उसने कठिन परिश्रम किया किसी चीज को पाने के लिए, तथापि वह फेल कर गया या फेल हो गया। दो या आल दो, ही वर्क्ड हार्ड, तथापि उसने यानी यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया तो भी कोमा वह फेल हो गया। ही फेल्ड, वह फेल कर गया, वह तो भी फेल कर गया, तो वह फेल कर गया, तो ही फेल्ड। इस कंडीशन में नॉट ध्यान देंगे, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे नॉट में क्या है। ऐसे वाक्यों में तथापि या तो भी का अनुवाद नहीं होता, जैसे मैंने बताया उसका अनुवाद नहीं होता, उसके लिए हम केवल क्या लगाते हैं? केवल एंड केवल कोमा से काम चल जाता है, कोमा का यूज करते हैं। इसलिए पीसी में यट का प्रयोग अवश्य नहीं है। यानी इस तरह के जो पीसी है, पीसी बोले तो प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज में क्या है, ये यट जरूरी नहीं है, यट का बिना ही काम चल जाता है, यट के बिना ही काम चल जाता है। जब पीसी को जोरदार, उस पर एम्फेसाइज करना हो, जब पीसी को यानी प्रिंसिपल क्लोज को जोरदार बनाना होता है, तब यट का प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी तब यट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना,
वट का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में तो भी या तथापि के लिए बट का प्रयोग कभी नहीं होता है। इस तरह से मिस्टेक्स आपको मिल जाती हैं एग्जाम्स में भी। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। यद्यपि वह गोरी है, यानी यद्यपि वह फेयर है, गोरी है, तो भी वह सुंदर नहीं है। दो या आल दो शी इज फेयर, एक टाइम लगाएंगे, या दो या आल दो शी इज फेयर, यट शी इज नॉट गॉर्जियस। गॉर्जियस मतलब सुंदर। यद्यपि वह गोरी है तो भी वह सुंदर नहीं है। दो शी इज फेयर, यट शी इज नॉट गॉर्जियस। तो गाइज यही आज की हमारी क्लास थी, पोलैरिटी इंडिकेटर सेंटेंसेस। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश कॉन्स्टेंट। थैंक यू वेरी मच।